अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विशन मुनवर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज ना मेहंदी का फंक्शन है हमारे यहाँ शाम को, अभी ना दिन के ना 11 बज चुके हैं। तो आज ना गर्मी जो है वो भी ना काफी ज्यादा है। तो असल में ना हम जा रहे हैं सिटी, मेहंदी का स्टेज जो है वो भी सजाना है। उस स्टेज के लिए ना सारा सामान जो वो भी ले आना है, और उसके बाद शाम के लिए जो खाना वगैरह पकाना है उसके लिए सब्जियां जो है वो भी ले आनी है। अभी अबू जी बाइक निकाले हैं तो हम बाइक पे जा रहे हैं। देख रहे हैं शाम के वक्त मेहंदी की जो रस्म है ना वो करनी है, तो उसके लिए मेहमान आएंगे, उनके लिए खाने का इंतजाम करना है, रोटियां पकवानी है, और उसके बाद चिकन की एक डेग भी बनवानी है, और उसके बाद भाई यानी कि कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आएंगे। हाँ, ये सारा सामान मिठाई भी लेके आनी है। ये सारा सामान जो है ना आज के दिन वो हमने शाम से पहले पहले सारा लेके आना है। बाकी जो स्टेज वो भी बनाना है, जो टेंट सर्विस वाले के पास जाना होगा, वहाँ से वो जो फट्टे बने होते हैं वो भी लेके आने हैं, और कुर्सियां भी लेके आनी है स्टेज के लिए। तो इस तरह काफी सारा काम है जो आज करना। तो आज की सारी रूटीन जो है हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो बाइक जो हमने निकाल ली है, तो थोड़ा बहुत सामान जो हम बाइक पे ले आएंगे, लेकिन जो स्टेज का सामान होगा ना जो वजनी है वो रिक्शे पे आएगा। तो अभी ना मैं इधर सिटी पहुंच चुके हैं, और इस साइड आप जो सामने देख रहे हैं ये है मिठाई की दुकान। तो इधर से ना हमने अभी लेनी है मिठाई, तो वही अबू जिंद्र खड़े ना मिठाई जो वो ले रहे हैं। कौन कौन सी चीजें मिठाई में ले रहे हैं ये आप सामने देखे ना? हाँ जी, ये चीज ये चारों आइटम्स जो है ना ये मिक्स करके ले लेते हैं, और इसमें बर्फी भी डलवा देते हैं। ये खूबसूरत मेहंदी का फंक्शन करें, ये बेस्ट एक एक दाना उठा के खा लेते हैं। हाँ जी, तो हमने मिठाई के 2 डब्बे जो है वो पैक करवा रहे हैं। तो अभी एक डब्बा जो है वो मिठाई से फिल हो चुका है, तो ये डब्बा जो है ना 1 किलो का डब्बा है। तो ये ना अभी बंद करके हमें देंगे, तो अभी ये जो आप बड़े वाला डब्बा देख रहे हैं ये 2 किलो का है, तो इसमें भी मिठाई जो भरवा लेते हैं। तो मिठाई जो है वो भी हम लेके आ चुके हैं। तो अभी ना हम इस दुकान पे आए हैं, तो इधर से हमने लेनी है बोतलें। तो बोतलों के ना हमने पैड लेने हैं। पैड कितने लेने हैं? 3 पैड, एक पैड में 6 बोतलें होती है ना। ये लें जी 3 पैड जो है बोतलों के, वो भी हमने ले लिए हैं। बोतलों के 3 पैड जो ना पीछे रख के ले जाएंगे। एक पैड अबू ने लिया स्प्राइट का, और 2 पैड लिए हैं कोका कोला के। ये बोतलें और मिठाई जो है वो हम जिस तरह लेके जा रहे हैं ना हमने लाइन सी बना दी है, और अभी इस जगह खड़े हैं। तो यहाँ से अभी अबू जी लेने सब्जी, बस ना टमाटर लेने थे हमने, टमाटर और अदरक लेनी, बाकी प्याज वगैरह जो है पहले ही घर पड़े, बाकी चिकन जो है उधर से लेना है, मतलब अपने गाँव से लेना है। ये है मिठाई रात के लिए, क्योंकि रात को मेहंदी वगैरह का फंक्शन होना है, ये भी लेके आए हैं। जो टमाटर वगैरह है, बाकी चिकन रह गया वो भी साथ ही वाली पार से लेना है, और जो बाकी आटा जो है ना वो भी सेकंड टाइम जो मुर्दे जाके दे आएंगे, उससे बात की है वगैरह सेकंड टाइम आए आटा ले जाए, और शाम के बाद आप टाइम पे रोटी ले जाए। बाकी देर बार से भी मैंने कह दिया है, बाकी चिकन तो इधर से आ जाएगा, उन्होंने कहा कि हम शाम को पका देंगे। बाकी आप काम बाकी रह गया है वो टेंट वगैरह लेके आने हैं, और कुर्सियाँ लेके आनी है या कुछ प्लेटें लेके आनी है, तो शाम को मेहंदी के लोग आएंगे तो खाने भी देना है। तो इस पर संभाल लो, ये मिठाई इसको फ्रिज में रख लो। हाँ, ये फ्रिज में पूरी नहीं आएंगी, काफी ज्यादा है। मिठाई और ये टमाटर जो ये तो फ्रिज में रख देंगे, और ये जो बोतलें हैं ना हम इनको नहीं तो कमरे में रख रहे हैं इस जगह पे फिलहाल। तो अभी ना हम जा रहे हैं दोबारा सिटी, तो टेंट का सारा सामान जो है वो लेने जा रहे हैं, और स्टेज का जो सामान है वो भी ले आना साथ ही। तो रिक्शे पे ले आना, रिक्शा जो है वो बना लिया, वहां से मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो अभी जाते हैं जाकर टेंट और स्टेज का सारा सामान जो उठा के ले आते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी हम इधर सिटी आ चुके हैं, तो इस साइड आप दुकान देख रहे होंगे, तो इस दुकान से हमने टेंट का सारा सामान जो वो लेना है। तो इस दुकान से ना सारा मतलब शादी का सामान जो मिल जाता है। इस साइड आप देख भी रहे होंगे, ये देखना चेयर वगैरह पड़ी हुई है, और अभी ना अंकल जो हमें टेंट निकाल के दिखा रहे हैं। तो अभी अबू जी ना कलर जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि टेंट का कलर जो हम कौन सा लें। तो इधर आप देख लें ये कि येलो कलर में पड़ा हुआ है, इस साइड ये पिंक कलर में और व्हाइट कलर में भी है। तो अभी ना बुजी देख रहे हैं जो ना घर में थोड़ा सा ना अच्छा लगे। अंदर भी ना सारा इधर शादी का सारा सामान जो पड़ा हुआ है, ये देखिए इस साइड ये टेबल वगैरह जो है ये भी सारे पड़े हुए हैं, और इस साइड ये सूफे जो हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो इधर से सारा टेंट का सामान जो वो अभी हमने लेके जाना है। तो अभी ना आप जी अंकल को बता रहे हैं कि हमें ना कौन कौन सी चीजें जो है वो चाहिए। अब ये कौन सा तंबू लेके जाना है, बड़े वाला ले जाना छोटे वाला? हाँ जी, वो ना घर में पूरा भी आ जाए। जी ने ना सारा सामान जो है वो बता दिया है कि कौन कौन सा सामान जो वो लेके आना है। तो अभी ना ये सारा सामान जो वो लेके आ रहे हैं, तो इस गाड़ी में लेके आ रहे हैं, तो थोड़ी देर तक सारा सामान जो वो आ जाए वहाँ पे ना सारा सामान जो घर में फिट करेंगे,
और अभी हम जा रहे हैं पहले घर। और वैसे आज जुम्मा भी है तो हमारी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। हमने भी नहाना भी है, कपड़े भी चेंज करने हैं, जुम्मा भी पढ़ना है और बाकी आपको पता है शादी का दिन भी आने वाला है तो बालों की जो है ना वो कटिंग भी करवानी है। हम ऐसे फिर रहे हैं। हाँ जी, ये लेंजी मेहंदी के स्टेज का सर सामान जो भी हम कह के आए थे वो आ चुका है। तभी ना ये सर सामान जो नीचे उतार रहे हैं, तो पहले भी यहाँ पे कुछ सामान उतार लिया। ये आप देख रहे हो बांस जो है ना ये उतार रहे हैं, जिसके साथ तम्बू जो है ना खड़ा करना है। और इस साइड ये प्लेटें जो ये भी कह के आए थे और ये दो जग लेके आए ये वाले। जब तक घर में तम्बू नहीं लगे तब तक पता नहीं चला ये घर शादी वाला है या नहीं। जब तम्बू लग जाएगा सभी को पता चल जाएगा कि ये घर भाई शादी वाला है। हाँ जी, तो ये इधर डेकोरेशन भी की हुई है माशाल्लाह, ये तो रात को नजर आएगी। इस गट्टू में भी मेरे ख्याल में टेंट ही है और इस साइड भी ये पड़ा हुआ है और ये भी हम कह के आए। और उसके बाद चेयर और स्टेज बनाने के लिए फट्टे जो ये भी कहते हैं ये भी लेके आए। ये देखना फट्टे कुछ इस तरह जिसके वजह से हमने स्टेज जो वो तैयार करना है। तो अभी ना ये सारा सामान जो उतार रहे हैं इस जगह पे रख रहे हैं, तो इस जगह को ना थोड़ा सेट कर रहे हैं। पहले ना यहाँ पे दरिया जो है नीचे वो बिछा रहे हैं, तो इन्होंने ना यहाँ पे ये चेयर्स जो है वो फिट करेंगे और ये टेंट जो है ना ये यहाँ पे खड़ा कर देंगे। लेकिन जिसने स्टेज बनाना है ना उसने आना है दूसरी सिटी से, अभी तक ना वो नहीं आया, तो थोड़ी देर तक वो भी आ जाएगा यहाँ पे, वो ना स्टेज जो है वो बनाएगा। बस इनका यही काम है, ये दरिया बिछा देना और ये तंबू लगा देना और चेयर वगैरह जो है वो फिट कर देना। तो माशाल्लाह भाई इधर आप देख सकते हैं भाई फट्टे उन्होंने लगा दिए स्टेज के लिए और इसके ऊपर कालीन भी बिछा दिया और ऊपर आप तंबू भी देख सकते हैं। तो इस तरह का कलर है तंबू का। और इधर भाई चेयर्स भी आ चुकी हैं और चेयर्स के जो कवर है ना वो उस गट्टू में पड़े हैं। तो इधर गेट खुला क्योंकि गाड़ी अभी बाहर निकली है, तो मैं गेट को पहले बंद कर देता हूँ। मेहंदी भी लगाएंगे और आपके साथ भी ये फंक्शन मेहंदी का रात का जो होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें जी तंबू जो है कुछ इस तरह लग चुका है। तो चेयर जो है साइड पे पड़ी है, तो बाद में इन चेयर को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये देखें स्टेज जो है कुछ इस तरह तैयार किया है इन्होंने, ये देखें। और दरिया जो है ये भी पड़ी है, तो ये दरिया ना फिर बाद में इधर हम बिछा देंगे। चलो इस तंबू का ये फायदा हो गया कि यहाँ पे ना छांव हो गई। असल में ना हमारे घर में बड़ा दरख्त नहीं है छांव के लिए। ये आप देख रहे हैं कि ये दरख्त खड़ा बिल्कुल छोटी, इसकी जगह छांव जो है ना बस थोड़ी जगह पे आती है और इस साइड भी कोई दरख्त नहीं है। तो चलो ये तंबू लग जाएगा तो यहाँ पे कुछ छांव जो बन जाएगी। लेकिन ये तंबू के नीचे खड़े हो तो यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा लगती है, अगर तंबू से बाहर चले जाए ना फिर हवस जो है वो शुरू हो जाती है। चलो तंबू का कुछ तो फायदा हो चुका है। तंबू जो है ना वो कुछ इस तरह लगा है, मैं आपको दिखा दूँ माशाल्लाह से तंबू का कलर जो है ना वो कुछ इस तरह का है। और ये गट्टू में भी कुछ तंबू का सामान पड़ा हुआ है, आपको दिखा दूँ। ये देखें कपड़े से हैं, पता नहीं ये कहाँ पे बिछाने हैं। ये मेरे ख्याल में स्टेज पे बिछाएंगे या फिर किसी और जगह पे बिछाएंगे। ये भी पड़ा है तो ये भी ना वो शाम को ही लगाएंगे। और इस साइड ये बर्तन जो वो भी पड़े हुए हैं, इस जगह पे बैठ के ना मेहंदी जो वो लगाएंगे, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। अभी मैं आया हूँ इधर बाहर फसलों वाली साइड और माशाल्लाह से आप बाहर देख रहे हो, बाहर हवा जो है काफी मजे की चल रही है। लेकिन ये सूरज जो है बिल्कुल ऊपर खड़ा, लेकिन गर्मी भी है लेकिन ये हवा जो अल्लाह का शुक्र है ठंडी ठंडी चल रही है। और इस साइड आप ये जो दरख्त देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये मेरे ख्याल में बकैन का पौधा है, कभी इसका कुछ तो नाम है। लेकिन इसके ऊपर ना देखें डोरियों जो है वो भी लगना शुरू हो गई है और ये माशाल्लाह से काफी बड़ा हो चुका है। अब इसकी कुछ छांव जो है ना यहाँ पे बन चुकी है, पहले ना बिल्कुल छोटा था, यहाँ पे छांव जो थी ना इसकी नहीं बनी थी, लेकिन अब देखें माशाल्लाह से ये काफी ग्रो कर चुका है। और आप ये लोशे चेक करें माशाल्लाह से हवा के, मजा आ रहा है यहाँ पे खड़े होके। तो घर में ना हवा जो इतनी तेज नहीं लग रही क्योंकि ना सारी दीवारें आ जाती हैं आगे, तो हवा जो ना रुक जाती है। लेकिन जैसे ही हम इधर बाहर खुली जगह पे आते हैं तो यहाँ पे ना ठंडी हवा जो लगना शुरू हो जाती है। इसी के साथ यही पैंड करता हूँ और मेहंदी का फंक्शन जो है ना वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। जो भी मेहंदी के फंक्शन पर रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपने लाजमी देखना है। और जो अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दो हम याद रखिए, अपना ड्रेस रखिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you.